नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन। मथुरा के फरह में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 11 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस मेले का मुख्य आकर्षण राजस्थान से आया एक बकरा था। इस बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है ये बकरा देश के सबसे उन्नत किस्म का बकरा है, जो सिर्फ 3 वर्ष की आयु में ही 110 किलो से अधिक वजनी है। इस बकरे ने इस मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही यहां 4 किलो दूध देने वाली बकरी ने भी प्रथम स्थान हासिल किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें बकरी पालन के लिए प्रेरित करना था, जिसके लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट और अधिकारियों ने यहां आए किसानों की समस्याओं को भी सुना और बकरी पालन में आ रही समस्या को भी दूर किया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बकरी पालन किसानों के लिए बेहद लाभकारी है और कम खर्चे पर किसान बकरी का पालन कर सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, आज वह साकार होता नजर आ रहा है। वही बकरी अनुसंधान केंद्र के निदेशक मनीष जेटली का कहना है कि बकरी पालन न सिर्फ दूध से लाभ पहुंचाता है, बाकी इसके कई और फायदे भी हैं। बकरी के दूध का पनीर घी भी यहां बनाया जा रहा है, जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करने का प्रयास लगातार जारी है। बकरी और बकरे का मीट भी किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक है। वही वरिष्ठ साइंटिस्ट राजकुमार ने बकरी से बने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि ये बेहद लाभकारी है। बकरी का दूध और उससे बने प्रोडक्ट लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं और उनकी सेहत के लिए भी लाभदायक है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था, कितने किसान इसमें लाभान्वित हुए, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया गया? भाई साहब, प्यारे साहब, अब खड़े रहिए, कुछ मत करिए। आज हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था, जिस प्रदर्शनी में लगभग 40 के करीब स्टॉल्स लगी और उन्होंने जो जो वो काम कर रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हमारा संस्थान लगभग पिछले 43 सालों से बकरी पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और हमने कई तरह की नई तकनीकों का खोज की है और उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे किसानों को जानकारी दी। उसके बारे में व्याख्यान भी हुए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, उनके समाधान हमारे साइंटिफिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अभी हमारा यहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर जो उनकी किसानों की समस्याएं हैं उसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनके बारे में उनको जानकारी देंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। कितने प्रांतों से आए थे, कितने किसान आए? हमारे यहाँ पे लगभग 1000 के करीब किसान आए थे और 11 प्रांतों से आए थे। इसमें से कई केरला से भी आए थे, तेलंगाना से भी थे और तमिलनाडु से भी थे, तो इतने दूर से भी आए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड से आए हैं, कई जो विभाग हैं, उत्तराखंड शीप एंड गोट वूल बोर्ड भी है, वो लोग भी आए। उसके बाद हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने बताया, और सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टॉल लगाई और सारे उसके बारे में जानकारी दी, उनके जो जो उनकी खोज हो रही है, जो जो तकनीकें हुई हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे आपको जानकारी बता रहे हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ जो स्टॉल लगाई है किस चीज की स्टॉल? मेरा नाम डॉक्टर वी राजकुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ, गोट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से हम यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये जो स्टॉल है इसमें हमारा गोट प्रोडक्ट्स, गोट मिल्क प्रोडक्ट्स खास करके उसकी जो डिस्प्ले करा रहे हैं। इसमें हम लोग कमर्शियल लेवल पे आ गए हैं, पहले जो हम लोग पनीर वगैरह बनाते थे अब चीज बनाने लगे, या प्रिपेरिंग चीज, वो कमर्शियल लेवल पे अभी अवेलेबल है। गोट मोजरेला चीज, गोट गौडा चीज, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी मार्केट, मतलब लोकल मार्केट में भी अवेलेबल करवा दिया। इसका रेट है 200 ग्राम का 200 रुपीस में हमने एक किया। इसके अलावा जो इस साल मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो मिलेट्स बेस्ड ड्रिंक्स, गोट मिल्क बेस्ड मिलेट ड्रिंक्स भी बनाए, उसको भी हमने मार्केट में, मतलब अपने लोकल लेवल पर अरेंज कराया। ये टेक्नोलॉजी का किसान के लिए भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो गोट गोट मिल्क योगर्ट है, गोट मिल्क लस्सी है, और एक स्वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हमने बनाए, गोट बर्फी है,
ये भी जो हमने मनाया। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पर जो एक किसान को जो ऑर्गेनाइज कराया, जिसको एफपीओ कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से एफपीओ बनाए, जो एफपीओ वालों ने इन्हें जो बोर्ड सोप इन्होंने इन्होंने मार्केट में लेके आए हैं, ये बहुत अच्छा सोप है। ये जो है ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाएगा। ये बोटानिक पे इसमें एक जो है इनका वो है दूध, बोटानिक नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन में इनको वो जो सेल कर रहे हैं। ये जो हमने फ्रंट एंड मार्केट में इसको करवा रहे हैं, जो किसान से सीधा जुड़े हुए, जैसा हमारा टेक्नोलॉजी किसान के पास गए, किसान अपना दूध कलेक्ट करके उसको वैल्यू एडिशन करके दे आर सेलिंग इन टू द मार्केट। सो वन साइड हम अपना टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहे हैं जो लैब में अवेलेबल है टेक्नोलॉजी फॉर किसान के लिए, अनदर साइड किसान अपना टेक्नोलॉजी बना के दे आर ऑल्सो सेलिंग प्रोडक्ट के साथ साथ में, लेकिन इसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पाती। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मजदूर फार्म में इस तरह की सेमिनार होती है। आज इस सेमिनार में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और एफपीओ के लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। इसमें किस तरह से बकरी और भेड़ पालन फायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान दे के इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। इसके बारे में आज इस पर विचार विमर्श भी हुआ है, यहाँ इस पर अनेक व्याख्यान भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ किसान की दोगुनी आय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो पशुपालन के बगैर पूरा नहीं हो सकता, और पशुपालन में भी हमारे जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें बकरी और भेड़ पालने में जितनी अधिक से अधिक आय हो सकती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इसलिए जो अनुसंधान करके अच्छी क्वालिटी की अच्छी नस्ल की बकरी और भेड़ों को लाया जाए और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो उत्पाद है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रिजर्व हो सके, इसके बारे में सरकार प्रयास कर रही है। और मैं ये समझता हूँ किसान की दोगुनी आय करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे लघु सीमांत कृषकों का तभी हो सकता है जब भेड़ और बकरी पालन पूरी तरह से फायदेमंद हो। ये निश्चित रूप से सरकार इसमें पूरी तरह मदद करेगी। कितने किसानों को इनाम दिया?